यूपी के हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है। यहां हो रहे सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 40 महिलाओं समेत 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 75 से ज्यादा बताई जा रही है। यहाँ भोले शंकर के प्रवचन के दौरान अचानक से भगदड़ मच गई। इसमें सैकड़ों लोग गिरे तो लोग उन्हें कुचलते हुए निकलने लगे। बेहोश लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 20 श्रद्धालुओं के शव एटा भेजे गए हैं। कई शव व घायलों को अलीगढ़ व हाथरस में उपचार के लिए भेजा गया है। एडीजी आगरा जोन व कमिश्नर अलीगढ़ को घटना की जांच का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। और डेढ़ तो आज चले गए, कितने लोग दुर्घटना हुई, आदमी चले गए यहाँ से 200 के लगभग, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं लगभग, कितने लोगों की मौत हो चुकी है डेढ़ घंटा हादसे को हो गया। अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है, बहुत सारी मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है।